अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। यहाँ पे मैंने इसको टिक्का मसाला लगा के मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं उसको कर रही थी फ्राई, थोड़ा सा बिल्कुल मैंने ऑयल डाला था और मैं इसको स्टीम दे के पहले इसको मैंने 10 से 15 मिनट पकाया। अब मैं इसको तेज़ आँच पर पका रही थी। ये हो चुका है कुक, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको फोक की मदद से अलहदा कर लूँगी। ये पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर मैंने नीचे थोड़ी सी सूजी डाली थी ताकि पिज़्ज़ा जो है थोड़ा सा क्रिस्पी बने। इसके ऊपर मैं अब ये पिज़्ज़ा डो डाल दूंगी जिसको मैंने पहले ही फोक की मदद से अच्छी तरह सारा सुराख कर लिए हर जगह पे। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी पिज़्ज़ा सॉस और इसको मैं अच्छी तरह पूरे पिज़्ज़े पे लगा दूंगी। मोज़रेला चीज़ में डालूंगी और इसको भी मैं पूरे पिज़्ज़े पे अच्छी तरह से फैला दूंगी। अब मैं इसके ऊपर टिक्का डालूंगी, चिकन टिक्का, और ये भी पूरे पिज़्ज़े पे अच्छी तरह से लगा दूंगी। आपने अपने ओवन को पहले से प्रीहीट करना है तो तब के आपका पिज़्ज़ा जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम 20 मिनट के लिए आप इसको रखेंगे ओवन में और आपका पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ओरेगानो। मैं 200 डिग्री पे मैंने इसको बेक किया था तो बहुत ही क्रिस्पी हो गया था। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ओलिवन ऑयल और मैं इसको बेक कर दूँगी। इसके ऊपर मैं डालूँगी बसलिकों के ये कुछ लीव्स और इसको मैं बेक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुका है और ऊपर से भी इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं डाले थे क्योंकि जो टिक्का चिकन टिक्का था उसमें वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाले। ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।